तो भाई ये बुलेट 23,369 किलोमीटर अभी तक चला चुका हूँ मैं, और इसको चलाने में जो है 80,000 का पेट्रोल अभी तक जल चुका है। तो पॉकेट फ्रेंडली तो नहीं है ये बाइक। चैनल गाइस, दिस इज शिवम बाजपेयी, द किंग ऑफ द बाइक। रॉयल इनफील्ड के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। 3 साल से बाइक ये मेरे पास है, कैसा क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, 3 साल का ओनरशिप रिव्यू हम करने वाले हैं, क्या कुछ इसके मतलब क्या कहते हैं कि प्लस पॉइंट है, क्या कुछ इसके माइनस पॉइंट है, सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इन्जॉय करिएगा हमारे इस ब्लॉग। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कितना देती है? तो देने के मामले में मतलब कि हम कर रहे हैं बात एवरेज की, क्योंकि दावे के साथ ये बात मैं कह सकता हूँ कि ये बाइक जो है पॉकेट फ्रेंडली तो नहीं है, क्योंकि इसको चलाना जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। क्योंकि इसमें जो एवरेज है, हैवी इंजन होने के कारण 350 इंजन इसका है, और 350 सीसी इंजन को चलाने के लिए इसमें मैक्सिमम 35 का एवरेज आएगा आपका। और जो आप अगर इसको सिटी में चलाएंगे, बार बार गियर शिफ्ट करेंगे, तो ये 30 का ही एवरेज दे पाती है। तो अगर आप इसको 30,000 किलोमीटर ही चलाएंगे, तो ये आपके पॉकेट पर जो है लगभग 90,000 का पेट्रोल जो है आपका जला देगी। अगर ऑन एन एवरेज अगर हम 100 रुपये का पेट्रोल भी माने, तो ये पॉकेट फ्रेंडली बाइक तो नहीं है। अगर आप इसको लेने का सोच रहे हैं, तो अपने बजट के हिसाब से इस चीज़ को ज़रूर देख लें कि क्या इसको आप जो है इसके खर्चे को आप वहन कर पाएंगे अथवा नहीं। चूँकि इस बाइक का एवरेज तो कम है, लेकिन फिर भी लोग इतना पसंद क्यों करते हैं, क्या रीज़न है इसका कि लोग जो है रॉयल इनफील्ड के इतने दीवाने हैं और इस बाइक जैसी कोई दूसरी बाइक जो है लोगों को नहीं लगती है? तो बहुत सारे इसके, पहला तो जैसा इसका नाम है रॉयल इनफील्ड, तो जब आप इस पर बैठेंगे, इसको राइड करेंगे, तो आपको एकदम रॉयल फील आएगा, एकदम कमर सीधी करके। और ये जो देखिए इसका जो राइडर सीट है, उसमें अलग से स्प्रिंग दिए गए हैं, तो अलग से जो है आपको सस्पेंशन मिलता है। चाहे आप ऑफ रोडिंग कर रहे हों, चाहे आप अच्छी रोड पर गाड़ी चला रहे हों, किसी भी प्रकार के रास्तों पर ये गाड़ी जो है आसानी से चलती है और बहुत ही रॉयल फील के साथ चलती है। साथ ही जो है राइडर सीट पे जो स्प्रिंग होने के कारण जो है बहुत ही आरामदायक इसका सिटिंग पोजीशन है, और बहुत ही आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्पेस इसका चौड़ा है बैठने वाला, तो चलाने में इसका फील एक नंबर होता है। दूसरी बात ये है कि आप इसको जो है ये जो है गाड़ी आपके 100 पर भी जाएंगे, 80 की स्पीड पर जाएंगे, 100 की स्पीड पर जाएंगे, तो रोड को जो है एकदम पकड़ कर चलती है, रोड नहीं छोड़ती है। क्योंकि इसका वेट इतना है, लगभग 2 क्विंटल के करीब इसका जो है वजन है, जिसके वजह से ये रोड को पूरा तरीके से जकड़ के और पकड़ के चलती है। ठीक है, सिंस 1901 मतलब 1901 से जो है रॉयल इनफील्ड बाइक बना रही है, और इतनी पुरानी कंपनी है, लगभग जो है 120 साल पुरानी बाइक की कंपनी है, और 120 साल पुरानी जो इसने अपनी लेगेसी मेंटेन करके रखी है बाइक के मामले में। इसकी इस इंजन की अगर हम बात करें, और भी पूरी ओवरऑल बाइक की हम बात करें, तो बहुत ही स्मूथ इंजन है रॉयल इनफील्ड का, आप देख पा रहे होंगे। और साथ ही इसमें ड्यूल चैनल ABS है। ये जो मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये RE मॉडल है, ये सिग्नल कहलाता है 350 सिग्नल। और ये जो है ये मॉडल जो लॉन्च किया गया था रॉयल इनफील्ड कंपनी के द्वारा, तो ये एयरफोर्स को एक ट्रिब्यूट देने के लिए जो है ये मॉडल लॉन्च किया गया था। तो इसमें एक जो RE मेंशन होता है नंबर, ये RE मेंशन RE 095 04 60, ये RE
जो नंबर होता है ये यूनिक नंबर होता है, जिसे हम रॉयल इनफील्ड नंबर कहते हैं। और ये 49 जो हमारा मिशन था एयरफोर्स का 1949 का, उसी के हिसाब से इसको डेडिकेटेड करने के लिए जो है यहाँ पर जो है 49 मेंशन है। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने इस 49 और ये RE नंबर के बारे में जो है पूरा डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। इस वीडियो में हम उसकी बात नहीं करेंगे। साथ ही ये जो सिग्नल की बैजिंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और पूरा बाइक आपको जो है, एक समय था 2017-18 का जो फेस था, उसमें इस बाइक का इतना क्रेज़ था कि ये बाइक जो है, इस बाइक के लिए वेटिंग रहती थी, ये बाइक आसानी से मिलती नहीं है। ख़ासकर इसमें जो है, इस सेगमेंट में जो है, ये सबसे बेस्ट मॉडल था और बहुत पसंद किया गया। ये दो कलर में लॉन्च किया गया था। ओवरऑल लुक और डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो बहुत शानदार है। चूँकि मैं 3 साल से इसको चला रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने ये जो पूरा कवर लगाया हुआ है, जो इसके फ्यूल टैंक को कवर करते हुए पूरा सीट को भी कवर करता है, तो इससे जो इसका है और डैशिंग लुक आ जाता है निखर के। और ये जो कुछ ऐसे सीरीज़ है जो मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई थी, जैसे ये जो है लाइट के ऊपर जो कवर लगा हुआ है ये लगा नहीं आता है, इंडिकेटर्स कवर्स जो हैं ये लगे नहीं आते, ये मैंने लगवाया था। उसके साथ ही बैक लाइट में जो कवर है और इंडिकेटर कवर है वो भी जो है मैंने लगवाए थे आफ्टर मार्केट। और साथ ही जो कंपनी लेग गार्ड देती है वो ये वाला लेग गार्ड नहीं देती है, ये लेग गार्ड जो है मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है। तो थोड़ी सी एसेसरीज़ महकी है। कई लोग एलॉय व्हील्स लगवाना भी पसंद करते हैं, बट मुझे जो है स्पोक वाले रिंग ही पसंद है, तो मैंने स्पोक वाले ही रखे हैं। ये ड्यूल चैनल ABS है। साथ ही अब एक और लॉजिक होता है कि बहुत सारे जो होते हैं रॉयल इनफील्ड ऑनर, उनको जो इसका ओरिजिनल साउंड है, जो ओरिजिनल साइलेंसर कंपनी लगा कर देती है, उस साइलेंसर पे इसको कभी नहीं चलाते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर आपको थोड़ा सा साउंड चाहिए है, ऐसा साउंड मतलब कि जो नॉइस पॉल्यूशन भी ना करे और थोड़ा सा इस बाइक को चलाने का जो रॉयल फील है वो आपको दे, तो आप इसके लिए आफ्टर मार्केट जो है इसमें जो है साइलेंसर लगवा सकते हैं, जैसे कि मैंने भी लगवाया था। 3 साल से एक ही साइलेंसर चला रहा हूँ, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सीट कवर साल में एक आध बार चेंज करवाता हूँ। बस अब मैं बात करूँ कि ये तो मैंने बाइक की खासियत बता दी, थोड़ा सा बाइक के बारे में बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इसके ड्रॉबैक हैं, क्या इसमें जो है समस्याएं आती हैं जब आप 3 साल से एक बाइक चला रहे होते हैं। तो कहूँ तो रॉयल इनफील्ड बाइक जो है इतनी R&D करके बनाई गई है कि इसमें ज़्यादातर कमियां तो नज़र नहीं आती हैं, ना ही इसको चलाने में कोई प्रॉब्लम है, ना ही कोई इसके इंजन में प्रॉब्लम है, ना ही कोई बाइक में प्रॉब्लम है, ना कोई पार्ट्स और एसेसरीज़ में प्रॉब्लम है। बस एक ही प्रॉब्लम है इसमें कि जब ठंड का समय हो या ठंड का मौसम हो या कोई और मौसम भी हो, तो गाड़ी का इंजन जब ठंडा होता है, गाड़ी जब ठंडी होती है, जैसे रात भर के लिए आपने गाड़ी रख दी, उस सुबह गए उसको चाबी लगाए और आपने सेल्फ मारा, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होने लगती है। तो रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर पर भी आप जब जाएंगे तो वो लोग ये चीज़ रिकमेंड करते हैं कि कभी भी जो पहला स्टार्ट है बाइक का, जो पहला स्टार्ट है वो हमें किक से स्टार्ट करना है। हालांकि अब जो नए मॉडल आ रहे हैं उसमें तो किक भी नहीं आ रही है, लेकिन जिसमें किक है तो बैटरी जो है थोड़ा सा डाउन हो जाती है। बैटरी की सर्विस जो है, बैटरी मुझे ऐसा लगता है कि इतनी हैवी बाइक के लिए जो इसमें बैटरी लगाई गई है वो उतना कैपेबल नहीं है। वो जो है आपकी, मैंने इसमें 3 साल में मैंने एक बार इसका बैटरी चेंज करवा चुका हूँ, चूँकि एक बैटरी जो है वो ख़राब हो चुकी थी। तो यही प्रॉब्लम है, बैटरी के अलावा इसमें और कोई इशू नहीं है। अभी मैंने नया एमरॉन का बैटरी लगवाया है वारंटी वाला, तो उसके बाद जो है ये बाइक जो है सही से काम कर रही है। लेकिन कभी कभी जो है मॉर्निंग में जब ये गाड़ी ठंडी रहती है, गाड़ी का इंजन गर्म नहीं होता है, तो जो है आप सेल्फ लगाओगे तो सेल्फ जो है वो लेने नहीं लगती है, लेकिन जब गाड़ी थोड़ा चल जाती है 2-5 किलोमीटर तो जो है फिर वो सेल्फ स्टार्ट होने लगती है। तो ये प्रॉब्लम है, बाकी और कोई इसमें मेजर प्रॉब्लम नहीं है। रॉयल बाइक है, बट मैं ये कहूँगा कि ये पॉकेट फ्रेंडली बाइक नहीं है। अगर आप तलाश कर रहे हैं एक पॉकेट फ्रेंडली बाइक की, तो आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप महीने में 500-600 किलोमीटर ही चलते हैं, बहुत कम आप चलते हैं, तो आप ये बाइक ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इसको चलाने का जो फील है वो कोई और बाइक में आपको नहीं मिलने वाला है। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, एकदम रॉयल फील आने वाला है। बहुत ही मज़ा आता है रॉयल इनफील्ड चलाने में, और जो लोग इसको चला चुके हैं या जो चला रहे हैं वो इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि जो एक बार रॉयल इनफील्ड चला लेता है उसको और कोई बाइक जो है कभी पसंद नहीं आती है। तो ये था हमारा एक छोटा सा रिव्यू, 3 साल का ओनरशिप एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया आपके साथ। इस बाइक में मैं कभी लॉन्ग ड्राइव, मतलब एक दिन में मैंने 300-350 किलोमीटर भी किया है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना ही इंजन को लेकर, ना ही गाड़ी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आया। कितना भी लॉन्ग ड्राइव के लिए ही बनी है, लोग लद्दाख ले कश्मीर लेके गाड़ियाँ जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं,
लॉन्ग राइड, ऑफ राइड सब करते हैं इससे, गाड़ी एकदम मस्त है। बट ये है कि पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। तो आज के समय में अगर आप पॉकेट फ्रेंडली बाइक ढूंढ रहे हैं तो ये बाइक आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप रॉयल फील के लिए और स्वैग के लिए और पैशन के लिए ऑफ रोडिंग के लिए अगर बाइक तलाश कर रहे हैं तो रॉयल इनफील्ड विल बी अ गुड चॉइस। दिस मॉडल नेम्स रॉयल इनफील्ड सिग्नल स्टॉर्म राइडर सेंड। और ये मैंने 3 साल पहले ली थी गाड़ी और अभी 23,000 किलोमीटर करीब मैं इसको चला चुका हूँ। बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा और 4-5 साल और चलाऊंगा इसको। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।